Dear students, in this video we will discuss the seventh stanza of the poem We Are Seven. That is, I will read out the lines. You say that two at Conway dwell and two are gone to sea, yet ye are seven. I pray you tell, sweet maid, how this may be. बच्चों, हम लोग प्रीवियस स्टैंजाज में देख चुके हैं दैट द कन्वर्जेशन दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड दैट लिटिल कॉटेज गर्ल दैट लिटिल मेड एज वर्ड्सवर्थ हैज कॉल्ड हर. उस बच्ची से जो वर्ड्सवर्थ की बातचीत हो रही है उसमें वो उसे पूछ रहे हैं कि आप कितने भाई बहन हो, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव. एंड शी रिप्लाई दैट शी इज she has seven siblings, we are seven, as the title of the poem is. And she replies that two of her siblings live at Conway and two are gone to sea and the other two are lying buried in the churchyard. She doesn't say that they are dead. वो ये नहीं कहती कि वो जो दो बच्चे हैं, एक बहन और एक भाई, उनकी मृत्यु हो चुकी है. She says that they are lying buried in the churchyard and she lives with her mother in a cottage near that churchyard. वो उस churchyard के पास में ही रहती है. Now the poet asks her, you say that two at Conway dwell. आप तुम ये कह रही हो कि two of you at Conway dwell. Dwell means रहना. मैं बता चुकी हूँ reside और live. कि आप में से दो आप साथ यू आर सेवन सिबलिंग्स, आप सात भाई बहन हो और आप में से दो जो हैं वो कॉन्वे में रहते हैं. टू आर गॉन टू सी, और दो जो हैं वो समुद्र यात्रा पर गए हैं. एंड येट ई आर सेवन, ई मीन्स यू, वाई ई इज आर्केक इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश है ये. तो उसमें ये कह रहे हैं येट, फिर भी, येट मीन्स फिर भी तुम साथ हो. हाउ कैन इट बी पॉसिबल, आई प्रे यू टेल, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे बताएं ये कैसे पॉसिबल है कि यू आर स्टिल सेवन. स्वीट मेड, स्वीट लिटिल गर्ल, हाउ दिस मे बी, हाउ कुड इट बी पॉसिबल, ये कैसे संभव है. बिकॉज इन पोएट्स माइंड द थिंग इज गोइंग ऑन दैट इफ द टू ऑफ द सिबलिंग्स ऑफ दैट लिटिल गर्ल आर डेड देन दे मस्ट बी फाइव, वो सिर्फ पाँच ही होने चाहिए. वाई शी कॉलिंग, वाई शी सेइंग दैट शी हैज सेवन सिबलिंग्स. तो इसका जो रिप्लाई है वो नेक्स्ट स्टैंजा में वो बच्ची देती है. वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.